हेलो गाइस, वेलकम टू हमारे चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं सीरीज के एपिसोड नंबर 4 को। आई होप हमारे एपिसोड आप सभी को पसंद आए होंगे, आई मीन हमारे पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे अभी तक जितने भी देखे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें और आप इसके आगे की सीरीज देखते रहें। तो वैसे हमने टारगेट रखा था 1000 लाइक का, तो ऑलमोस्ट 1000 लाइक होने वाले थे, इसलिए मैंने ये पार्ट रिकॉर्ड करना चालू कर दिया और अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, आप सभी को रिस्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में भी हमारा सेम टारगेट रहेगा 1K लाइक्स का। अगर 1K लाइक्स जल्द से जल्द आ जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द भी आ जाएगा, बट जब तक 1K लाइक्स कंप्लीट नहीं होते तब तक इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आने वाला, ये डिपेंड करता है आप पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि डायन डायनेस्टी, उन्होंने गोल्डन विंग रॉक क्लैन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इसके लिए जो डायन डायनेस्टी है, वह पूरी दुनिया से कल्टीवेट्स को इनवाइट करने में लगी हुई है ताकि वह मिलकर उन डीमन से फाइट करते जाएं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे उस बैटल फील्ड में सारे के सारे कल्टीवेट्स हारते गए और कुछ कल्टीवेटर्स मारे भी गए, और वह एक खूनी बैटल फील्ड बन चुकी है इस वक्त। भले ही डायन डायनेस्टी का जो 5th प्रिंस है वो इतना ज़्यादा स्किलफुल बंदा नहीं है दूसरों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी उसने अपनी सेना को बैटल फील्ड में उतारा और दुश्मनों से जाकर फाइट की, वो भी पूरी हिम्मत के साथ। लेकिन डायन डायनेस्टी के द्वारा जो फर्स्ट अटैक किया गया था उसमें डायन डायनेस्टी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार गई है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो एम्परर होते हैं सब कुछ देखने में लगे हुए होते हैं। तभी जीजान उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, फादर क्या आपने मुझे बुलाया? और उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि इस बार का जो डायन डायनेस्टी का जो बैटल थी जिसमें हम पूरी आर्मी के साथ उस गोल्डन विंड रॉक क्लैन के साथ फाइट करने के लिए गए थे, और इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स के साथ लड़ने के बाद भी हमारी जो डायनेस्टी है वो उनसे हार गई, जिसके कारण हमारी सेना के जो मोरल हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। अगर हम दोबारा से उन डीमंस पर अटैक करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमारे आर्मी का मोरल बढ़ जाए और हम इस बैटल को जल्द से जल्द जीत जाएं। अब जबकि जिन एक्सपर्ट ने वह पेंटिंग तुम्हें दी थी, इसका मतलब यह बनता है कि उनकी नज़रों में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हो। तो मैं चाहता हूँ कि वह एक्सपर्ट हमारी इस बैटल में मदद करें थोड़ी सी। यह बात सुनने के बाद जीजवान उससे कहने लगता है, फादर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन आपका जो बेटा है वो इस बात के लिए काफ़ी शर्मिंदा है। तो जो आपका बेटा है जाने कि मैं जाता हूँ एक्सपर्ट से मिलने के लिए अभी के अभी। तभी एम्परर उससे कहने लगता है, ज़रा एक मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा एम्परर से, मतलब और एक्सपर्ट से मिलने के लिए। यह बात सुनने के बाद वो एकदम से शौक हो जाता है जीजवान और कहने लगता है, क्या आप भी चल रहे हैं मेरे साथ? तभी दूसरी तरफ वहाँ की उनकी वार्तालाप खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूलिन को, जिससे कि जियांगचन कहने में लगा हुआ होता है कि तुमने एक हफ्ते तक मेरी द्वारा दी गई मेडिसिन की बात, मतलब मेडिसिन में नहाई, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी की यंग और यांग एनर्जी है वो बैलेंस हो गई है। तो अब समय आ चुका है कि हम लोग सेकंड स्टेप पर बढ़ जाए ट्रीटमेंट के। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है और मैं अपनी एक्यूपंचर टेक्निक से तुम्हारे एक्यूपंचर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने वाला हूँ। यह बात सुनने के बाद जो लोली होती है जाने की जूलिन, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और उससे कहने लगती है, मास्टर सब कुछ मेरे मास्टर के द्वारा अरेंज कर दिया गया है। दूसरे में बताया जाता है कि इतनी ज़्यादा मेडिकल बात लेने के कारण उसकी जो एनर्जी है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है और ये पूरी तरीके से ठीक हो रही है। और वो सोचने लगता है जियांगचन किस तरीके से इसकी हालत होने वाली है, कैक्टस की तरह दिखेगी एक्यूपंचर के बाद, तो समझ गए होगे ना। तभी जियांगचन अंकल लान से कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्यूपंचर्स घुसेड़ दिए हैं, तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम लेने वाली है, और तो और मुझे कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, हर्ब्स की भी, तो मैं उन्हें लेने के लिए टाउन में जाऊंगा। तभी अंकल लान उससे कह लगते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट, मैं यहाँ का ख्याल रख लूँगा, आप जा सकते हैं। तभी जियांगचन मन में सोचते हैं, वहाँ से उदास होते जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे घर में सिर्फ फॉक्स नहीं है मुझे पालने के लिए, बल्कि अब मेरे पास 2 लोग और भी आ गए हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने कोई और रास्ता नहीं निकाला जिससे कि मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकूँ तो मेरा क्या होने वाला है? काश मैं थोड़े बहुत और पैसे कमा पाता तो मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती, काश ऐसा होता। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किस तरीके से वह किसी चीज़ को देखता है जिसको देखकर वह शौक हो जाता है, और उसके हाथों में उसकी ही बनाई हुई एक पेंटिंग होती है जिसमें वह एक स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, और उसको देखकर मन में सोचते क्या लगता है, ये ड्राइंग तो मेरे द्वारा बनाई गई थी ना, जिसमें मैं स्वॉर्डमैनशिप करने में लगा हुआ हूँ, और जो इस पेंटिंग में बंदा स्वॉर्ड पकड़ कर खड़ा हुआ है वो मैं ही हूँ, और मैंने ही अपनी इमेज ऐसी समझ कर इस पेंटिंग को ड्रॉ किया था। मुझे पता है कि इस इमोर्टल वर्ल्ड में मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्रिएट तो कर सकता हूँ ना, और मैं सोच तो सकता हूँ ना कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं चांद तारों को भी तोड़ सकता हूँ। यह सोच कर वह काफ़ी तो उदास हो रहा होता है और उसी पेंटिंग को अपनी पोटली में डाल लेता है और कह लगता है, खैर भूल जाओ, अब इसके बारे में ना सोचो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और तो और मेरी जो पुरानी पेंटिंग्स है वो भी बिच नहीं रही हैं आजकल। क्या जो आजकल के जो लोग हैं वो नई नई पेंटिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं क्या?
और वहाँ पर वो ये सब सोचने में लगा ही होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अम्मा होती हैं वो एम्परर और उसके बेटे पर चिल्लाने में लगी हुई थी और कह रही होती कि मैंने तुमसे पहले बता दिया है कि जो शॉपकीपर जियांग है वह उनके मूड पर डिपेंड करता है कि कब वह अपनी शॉप को लगाने वाले हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वे कल आ जाए या फिर एक मंथ में आ जाए। तो आखिरकार तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी किसकी पड़ी हुई है? और चिल्लाते हुए गुस्सा कर रही होती है और उससे कह रही होती है बस मुझे इतना ही पता है और कुछ भी नहीं, अब मुझे मेरा बिजनेस करने से परेशान मत करो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से डांट सुनने के बाद दोनों को दोनों शौक हो जाते हैं और कुछ भी बोल नहीं पा रहे। तभी जीजवान अपने डैड से कहने लगता है फादर जरा देखो तो जरा कि जो हम जिस एक्सपर्ट का इंतजार करने में लगे हैं वह इस वक्त जहाँ पर नहीं है। तभी एम्परर उससे कहने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो एम्परर है वह हमसे जानबूझकर छुपने में लगे हुए हैं इस वक्त। तभी अचानक से जो ग्रैंडमा होती है वो उससे कहने लगती है ओए ओए जरा देखो तो जरा तुम्हारी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम दोनों यहाँ पर शॉपकीपर जियांग से मिलने के लिए आए थे और वह यहाँ पर आ भी गए। यह बात सुनने के बाद दोनों के दोनों एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और देखते हैं कि सामने से जो जियांग चेन है वे आने में लगा हुआ है और उसको ऐसे दिखाया जाता है न जाने कितना ज़्यादा हैंडसम बंदा हो। खैर बात तो सही है। तो जिसको देखने के बाद जो एम्परर होता है उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है। भाई जिस तरह से एक्सप्रेशन जो इस वक्त बनाने में लगा हुआ है मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसके इरादे, और कह लगता है ये तो वाकई में एक्सपर्ट है इसकी शक्ल देखने के बाद। और तभी जो ग्राना होती है वो जियांग चेन के पास जाती है, उसे बताने लगती है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ पर कुछ अजीब तरीके के लोग आ रहे हैं जो तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं इस वक्त, और वो इशारा करके उसको बताती है। तभी जो जीजवान होता है वो उससे लगता है शॉपकीपर ये मैं बनता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपसे एक पेंटिंग खरीदी थी कुछ समय पहले, एक राइटिंग खरीदी थी। तभी जियांग चेन उसकी सोचता और कहता है ये तो वही पागल बंदा है ना, और पूछता है तुम्हारे बगल में यह कौन है। तभी जीजवान उसे बताता है कि ये मेरे फादर हैं। लेकिन जो एम्परर के इस समय जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं, वो एकदम से उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उससे कह लगता है मैं आपका ही इंतजार करने में लगा हुआ था मास्टर, आई मीन शॉपकीपर जियान। और इस तरीके का एक्सप्रेशन देखने के बाद जियांग को भरोसा नहीं हो रहा होता और वो देखकर शौक हो जाता है कि इस तरीके का एक्सप्रेशन बना रहा है ये लड़का, आई मीन ये बंदा बुड्ढा। और उसको थम्स अप दिखाते हुए कह लगता है कि मेरे बर्थडे पर मेरे बेटे ने तुम्हारी राइटिंग मुझे दी थी गिफ्ट के तौर पर, भले ही मैं उस राइटिंग का मतलब तो नहीं समझ पाया लेकिन उसके पीछा इतना समझ में आ चुका है इसके बड़े उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मतलब ज़रूर है और उसका मतलब हर एक दिन मैंने समझने की कोशिश की है लेकिन फिर भी मैं उसे समझने में कामयाब नहीं रहा। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम मुझे शॉपकीपर जियांग के पास ले जाओ और जरा देखो तो जरा मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सच में अनऑर्डिनरी प्रेजेंस है तुम्हारी तो, और काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो तुम। यह बात सुनने के बाद जियांग चेन को तो सरप्राइज हो रहा होता है और कह लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने में लगी हो मेरी, मैं तो मेरे द्वारा तो बस कुछ लिखे हुए शब्द थे उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, अब मुझे ये बताओ आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो एम्परर होता है वो उस राइटिंग को पढ़ने के बाद उससे कह लगता है कि ये सिर्फ आपने अच्छी नहीं लिखी है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट ना वो भी कतई सॉलिड है, लेकिन अभी भी मैं इसका मीनिंग समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार हम लोग अपनी स्वर्ड को किस तरीके से मूव करें जिससे कि हम 19 कंटिनेंट्स को हिलाकर रख दें। लेकिन जियांग चेन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा क्या कहने की कोशिश करने में लगा हुआ है और कहता है 19 कंटिनेंट्स को स्वर्ड हिलाकर कैसे अपन हिला सकते हैं भाई, आखिरकार इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा, क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? और घबराते हुए कहने में लगा होता है कि मुझे अपनी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अगर ऐसा मैंने किया तो इसका मतलब जो यही होता कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई तो मेरे ही चेहरे पर स्लैप मार रहा हूँ और मेरी खुद की बेइज्जती कर रहा हूँ और पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा जरा एक मिनट को। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपनी पोटली में देखने लगता है और उनमें से उसको कह लगता है कि कुछ दिनों पहले मैंने जो ड्राइंग बनाई थी क्यों ना मैं ये दिखा दूँ उन्हें, और कहता है कि जब मैं एक स्वॉर्ड की अप्रिसिएट करने में लगा था तब मैंने ये ड्राइंग बनाई थी अपने बारे में सोचकर, ये पेंटिंग उस वाली पेंटिंग से उस राइटिंग से ज़्यादा बेटर है जिसमें लिखा गया है कि 19 कंटिनेंट्स को हिला सकता है सिर्फ एक स्वॉर्ड से, मैं इस ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर इन्होंने कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो मैं बस उसे समझ जा दूंगा और कह दूंगा कि तुम्हें ऐसे खुद समझने की ज़रूरत है, और वो इस पेंटिंग को ढूंढ लेता है। पेंटिंग को ढूंढने के बाद खांसते हुए उस एम्परर के पास आता है लेकिन इसे वक्त पता नहीं है इस वक्त कि यह एक एम्परर है, और वो पोज मारते हुए कतई हैंडसम वाला एकदम इमोर्टल वाला लुक मारता है और उससे कह लगता है कि सभी के सोचने का अलग अलग तरीका होता है और हर पोज का एक अलग मतलब होता है हर किसी के अनुसार, भले ही मैं तुम्हें समझा दूं लेकिन वह बिल्कुल करेक्ट नहीं होने वाला, इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम इस पेंटिंग को किस तरीके से देखते हो और किस तरीके से महसूस करते हो, अगर तुम इसको सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा और देखने की ज़रूरत है, और तुम्हारी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मेरे पास एक और पेंटिंग यहाँ पर मौजूद है इस वक्त जो कि स्वॉर्ड से रिलेटेड है, शायद जिस चीज़ को तुम ढूंढने में लगे हुए वो इस पेंटिंग के अंदर है। यह बात सुनने के बाद दोनों के दोनों का मुंह फटाका फटा रह जाता है और जब वह पेंटिंग को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पेंटिंग में से काफ़ी मात्रा में रोशनी निकलने में लगी हुई है, और जब जैसे ही वो पेंटिंग खुलती है तो उसमें से इतनी ज़्यादा मात्रा में स्वर्ड इंटेंट निकलता है कि दोनों के पसीने छूट जाते हैं और दोनों का चेहरा देखने लायक होता है। ये चेहरा देखने के बाद तो मेरी का तो हंसी छूट गई भाई, और कतई मज़ेदार था ये सीन देखने के लिए, तो हिला रे।
और जैसे ही दोनों के दोनों उस पेंटिंग को देखते हैं तो मन में सोचते हैं उसको देखकर कहने लगते हैं कि इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि पूरी पूरी स्टार की एनर्जी इसमें से निकलने में लगी हुई है, और इतनी एनर्जी है कि इस एनर्जी को कोई कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इनफिनिट एनर्जी है इसमें, और हमारी इसमें पूरी पूरी सोल एकदम से हिला डाली ना, और दोनों के अजीब सी पोज बन जाते हैं। तभी दोनों के दोनों उसकी तरफ देखते हैं जंग चैन की तरफ, और देखते हैं उसके लगते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या ये वही एक्सपर्ट नहीं है, ये तो इस दुनिया के भी पार है पार, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है ये। और दोनों के दोनों सोचते हैं कह लगते हैं कि जितने भी चमकीले तारे थे वह इस स्वर्ड एनर्जी से तबाह हो गए, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आसमान में पटाखे फूटने में लगे हुए हो, और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा तेज निकलती है कि दोनों के दोनों झेल भी नहीं पाते और कतई शौक हो जाते हैं, और जो एक्सप्रेशन होते हैं वो जंग चैन को समझ में नहीं आ रहे होते कि आखिरकार ये इस तरह एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हैं, क्या जो दोनों के दोनों पागल है। तभी उनसे एम्परर होता है वो हंसते हैं काफी तो हाँपने में लगा होता है, तो कह रहा होता है ये जो पेंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एम्परर मतलब दायान के एम्परर के लिए तैयार की गई थी, और जो एम्परर होते हैं वो एकदम से जोश में आ जाता है और जंग चैन से कह लगता है अब मुझे ये बताइए कि आखिरकार मैं इस पेंटिंग को अपना कैसे बना सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद जंग चैन मन में सोचते क्या लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ मेरे लिए कि मेरे लिए जो बिजनेस है वो खुद मेरे पैरों पर मेरे पास चलकर आ चुका है, वो भी रेगुलर कस्टमर, और कह लगता है कि ये तुम्हारी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। और मन में सोचते उनको देखकर कहने लगता है इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च कर सकते हैं, और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि इसका जो पिता है इसका जो फादर है इसका जो डैडी है वो बिना पैसों के तो घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह बात सुनने के बाद एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो सोचने लगता है गहरी सोच में सोचते हुए क्या लगता है सिंसियरिटी की बात करने में लगे हुए ये एक्सपर्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई इसे ऑर्डिनरी आइटम दे देता हूँ तो ये बिल्कुल उसकी नज़रों में नहीं आने वाला, तो मेरी जो सिंसियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिरकार मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दे सकता हूँ और अपने अच्छे फेथ के लिए डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। और तभी भी अपनी जेब से कुछ निकालता है एक सील टाइप की और उसे देते हैं, उससे क्या लगता है शॉपकीपर जियांग आप इसे रख सकते हो, कैसा लगा कि अगर आप मुझे पेंटिंग के बदले में ये दे दो। जिसको देखने का जो जी जवान होता है उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है और आंखें बाहर निकल आती है शौक के मारे, और कहने लगता है ये तो एम्परर की सील है भाई एम्परर सील। लेकिन जब जियांग चैन इसको देखता है तो उसका चेहरा भाई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, और उस सील को देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या चीज है, और उसको देखकर मन में सोचते कह लगता है कि आखिरकार इस तरीके का स्कैम मेरे साथ द्वारा क्यों हो रहा है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पैसों से खरीद सकें, जिसे देखो वह एक्सचेंज करने में लगा हुआ है, क्या इस दुनिया में पैसे कमाना इतना ज्यादा मुश्किल है। और इस बात पर विश्वास नहीं होता कि अब इसका जो बेटा और जो फादर है दोनों के दोनों इतने ज्यादा गरीब और इतने ज्यादा कंजूस है ना कि थोड़े पैसे भी खर्च ना कर पा रहे हैं, और मन में एकदम से पागलों जैसी शक्ल बना रहा होता है इन दोनों की। और दूसरी तरफ जब उसके फादर की तरफ देखता है यानी कि एम्परर की तरफ, तो वो अपनी छाती तान कर वहाँ पर खड़ा होता है उस पेंटिंग को पकड़ने के बाद। तभी जो जी जान होता है वो एम्परर से पूछने लगता है फादर आपने इस हमारी एम्परर सील को दायान की एम्परर सील को इस पेंटिंग के बदले में बदल लिया है, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। तभी एम्परर उससे कह लगता है नहीं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन जी जवान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और उसे एक्सप्लेन करते हुए बताया लगता है कि जो एम्परर सील की जो वैल्यू है वो बस सिंबॉलिक है, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता हमारे पास वैसे भी, बस नाम की है ये एम्परर सील, और जबकि इस सील को इस एक्सपर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने हमारे इनविटेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब अब यह बनता है कि अप्रोक्सीमेटली ये हमारे अब डायन डायनेस्टी के ही मेंबर बन चुके हैं। जब भी हमारा ये पूरा नेशन है वो किसी परेशानी में फंसेगा फ्यूचर में, तो ये बिना मदद के अकेले नहीं बैठने वाले और ये हमारी मदद जरूर करेंगे। ये बात सुनने के बाद जी जवान मन में सोचते कहने लगता है कि जितना ज़्यादा आदमी बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा वह वाइजर बन जाता है, और एम्परर से कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि हमारे डायनेस्टी का एक नया एरा स्टार्ट हुआ जाए और हमारी डायनेस्टी अब पूरी पूरी वर्ल्ड में तहलका मचाएगी। लेकिन जियांग चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसके साथ चल क्या रहा है, ये तो फिर से इसका मजाक उड़ा रहे हैं भाई, और वो खैर मान जाता है और उसी तरीके से वह घर पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग चैन होता है वो उस लोली का इलाज करने के लिए उसके पास आता है और एक्यूपंचर की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है आज की जो एक्यूपंचर टेक्निक है हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, तो अब समय आ चुका है कि हम आगे की प्रोसेस को भी बढ़ा सकते हैं। तभी जो जूलिन होती है यानी कि यह लोली वो कथाई बवाल दिख रही होती है इलाज करने के बाद, तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी भर गई होती है कि इसके गुब्बारे भी छोटे छोटे होते हैं वो थोड़े थोड़े और बड़े हो जाते हैं, और वह उस एक्सपर्ट का यानी कि जियांग चैन का शुक्रिया कहती है, और मन में सोचते कहने लगती है कि मैंने जियांग चैन के सिर्फ एक ही सीजन को अभी अटेंड किया हुआ है, लेकिन एक सीजन को एक्सेप्ट करने के बाद अटेंड करने के बाद मेरी बॉडी की जो एनर्जी है वो काफ़ी मात्रा में पहले के बढ़ चुकी है, और जरा देखो जरा मेरी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं गाइस, आप भी देख सकते हो चेंजेस और हम भी देख सकते हैं चेंजेस, इसके गुब्बारे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं ना, और भाई देख तो कतई बवाल रही है जैसा कि देख ही सकते हो, और इसके गुब्बारों की एनर्जी मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने हवा भर दी हो पंप से,
और कह लगती है खासकर मेरी जो एनर्जी वो मर्देंस में जरा देखो जरा किस तरीके से भर गई है। पहले मेरी बॉडी में हेवन और अर्थ का जो ऑरा था वह नहीं पास हुआ करता था, लेकिन अब ये बिना किसी परेशानी की मेरी बॉडी में ये ऑरा अंदर जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। ये वाकई में अनबिलीवेबल है, मुझे बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं होगा और किसी और को भी नहीं। और इसका चेहरा लाल पड़ने लगता है, इसका मतलब इसके दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल पकड़े हैं, समझ गएगा। और तभी जूली अंकल लान के पास आती है और काफी तो खुशी हो रही होती है और स्माइल मारते उससे कह लगती है अंकल लान मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा औसम महसूस होने में लगा हुआ है। अभी तो मेरी बॉडी से पूरी तरीके से हेवनली इन सरिंग बर्डन गायब भी नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर सकती बिना किसी परेशानी के। यह बात सुनने के बाद अंकल लान उससे कहने लगते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो हेवनली जिन सेवरिंग मर्डन है वे अभी भी आपके बॉडी के अंदर है, तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। तभी जी जूलिन उससे कहने लगती है लेकिन फिर भी मैं अपना ख्याल रखूंगी, आपको चिंता करने जरूरत नहीं है, मैं पक्का केयरफुल रहूंगी। और तभी जूलिन मन में सोचते कहने लगती है और उससे कहती है अब मुझे याद आई एक बात, जब भी तुम किसी का फेवर एक्सेप्ट करते हो या किसी के द्वारा फेवर किया जाता है तुम्हारे ऊपर, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस फेवर को रीपे करो। और ये सोचते हो इसका चेहरा लाल पड़ना लगता है कि रीपे करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेगी क्या भाई, आजकल की मांग में यही चलता है और कुछ नहीं, मजाक कर रहा था, भूल जाओ इस बात को। और मन में सोचते कहने लगती है कि आखिरकार मुझे किस तरीके से रीपे करना चाहिए। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेनिया पास पर, यहाँ पर कई सारी इविल स्पिरिट्स उड़ने में लगी हुई होती है और इसको देखकर तो ऐसा लगता है इस मॉन्स्टर को जैसे ही गॉडज़िला आ गया उस दुनिया में, और वहाँ पर कई बुरी तरीके से फाइट चलने में लगी हुई है इस वक्त, और हमें मॉन्स्टर और इंसानों की आर्मी आमने सामने दिखाई देती है फाइट के लिए। यहाँ पर सभी के साथ जो मॉन्स्टर है वे अटैक करना चालू कर देते हैं इंसानों पर, और वहाँ पर जो डायनेस्टी के कुछ लोग होते हैं जो कि लीड कर रहे होते हैं आर्मी को, वो घबरा रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने में लगा हुआ है। तो आखिरकार जो गोल्डन रॉक क्लैन है, गोल्डन विंड रॉक क्लैन है, वे अचानक से उन्होंने इतनी ज्यादा मॉन्स्टर की आर्मी को इकट्ठा क्यों कर रखा है, अब आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। हमारी जो मैजेस्टी है, हमारे जो एम्परर है, वो इस वक्त हमारी कंट्री में मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरीके की हालतें आ गई हैं तो मैं और तुम, हमारे पास अभी जितनी फोर्सेस मौजूद हैं उस फोर्सेस से तो हम बिल्कुल भी इनका सामना नहीं कर सकते। तभी अचानक से ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते, पीछे से कोई आता है और उससे कहने लगता है कि तुम दोनों की दोनों इस तरीके से बात करना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। और तभी वहाँ पर एक थर्ड प्रिंस आता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर इस मैटर को सॉल्व करने के सिर्फ दो ही तरीके बचते हैं, ये जो लोग मॉन्स्टर वगैरह हम पर अटैक करने में लगे हुए जितना पॉसिबल हो सके और मॉन्स्टर को डॉज करो और हमारा जितना नुकसान हो सके उतना नुकसान से कम मतलब नुकसान कम हो। और दूसरा तरीका है कि हम अब उस डीमन रेस के पास, उसके किंग के पास, डीमन के किंग के पास एनवी को भेजे अपनी तरफ से, भले ही हमें डायन डायनेस्टी को अपने कदम पीछे क्यों ना करना पड़े इस नेगोशिएशन के लिए, कोई बात नहीं इतना तो कर ही सकते हैं हम। यह बात सुनने के बाद दोनों के पसीने छूट जाते हैं। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और किसी की एंट्री होती है और वो चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है अगर कार किसकी हिम्मत हुई कि उन मॉन्स्टर के साथ हम लोग नेगोशिएशन करेंगे, और ये देखने के बाद सभी का मुंह फटका फटा रह जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस पावरफुल भीम के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं एम्परर और जीजवान वहां पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। ये देखने के बाद जो थर्ड प्रिंस होता है उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगता है फादर आप आ गए, और एम्परर उससे कहने लगता है कि जो गोल्डन रॉक विंग्ड क्लैन है वो जबकि हमसे वॉर चाहता है तो हम भी उससे वॉर जरूर करेंगे और हम पीछे नहीं हटने वाले, हमारी डायनेस्टी को इतना कमजोर मत समझना। लेकिन उसके जो साथी होते हैं एल्डर्स वगैरह होते हैं वो कहने लगते हैं लेकिन हम कैसे जीतेंगे, और तभी एम्परर अनाउंस कर देता है अपना ऑरा रिलीज करते हुए कि मैं इस डायनेस्टी के एम्परर से अनाउंस करता हूं कि अब से और इसी समय से हम सेकंड वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। और तभी एम्परर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि जो हेवन है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और जो दिल से चाहता है उसकी तो भगवान ही मदद करते हैं, अब जबकि हमारा पास एक्सपर्ट का सपोर्ट है तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं और जो गोल्डन विंग रॉक क्लैन है उनसे डरने की जरूरत नहीं है अब दोबारा से। ये बात सुनने के बाद जो दोनों लोग होते हैं जो मंत्री वगैरह होते हैं वो कहने लगते हैं एक्सपर्ट आप किस एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, और जो थर्ड प्रिंस होता है वो काफी तो गुस्सा हो रहा था ये बात सुनने के बाद मनी मन में और कहने लगता है क्या आखिरकार ये फादर क्या बकवास करने में लगे हुए, जो फादर है मेरे वो फिफ्थ प्रिंस को यानी कि मेरे फिफ्थ ब्रदर को सच में हम अपने साथ लेकर गए थे ताकि वो किसी एक्सपर्ट से मिलकर आ सके, क्या वे सच में इतना ज्यादा सीक्रेट मैटर था। और तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है एक मिनट इसका मतलब क्या हुआ कि जो फादर उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि जो फिफ्थ प्रिंस है मेरा फिफ्थ ब्रदर उन्हें क्राउन प्रिंस बना देगा बना देंगे, और इस वक्त जीजवान के पास जो भी मौजूद है इस वक्त जो भी गद्दी वद्दी है पावर वगैरह है वो सब तब से चालू हुआ है जब से उसने हमारे फादर के यानी कि एम्परर के बर्थडे पर उन्होंने एक राइटिंग गिफ्ट दी थी और उसने ये भी कहा था कि जो राइटिंग है इसे एक एक्सपर्ट के द्वारा दी गई थी। और अचानक से शौक हो जाते हुए चिल्लाते हुए कह लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरे फादर जिस एक्सपर्ट की बात करने में लगे हुए हैं वह वही एक्सपर्ट है जिसने ये पेंटिंग यानी कि ये राइटिंग दी थी उसको। और तभी वहाँ पर युद्ध का आगोश हो जाता है, घोषणा हो जाती है और भभू बजना चालू हो जाते हैं और डीमंस और ह्यूमंस आपस में फाइट करना चालू कर देते हैं।
और तभी वहाँ पर जो डीमंस होते हैं वो इतने पावर होते हैं कि इंसानों की आर्मियों को बिल्कुल चुटकी को बजाते हुए तबाह करते हुए चले जाते हैं और इंसानों के यहाँ पर खून ही खून होता है। और इसको देखने के बाद एम्परर कहने लगता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी एम्परर चिल्लाते हुए कहने लगता है, गोल्डन विक रॉक क्लैन के किंग, हजारों साल पहले हमारे डायन डायनेस्टी को तुम्हारे गोल्डन रॉक क्लैन के द्वारा हरा दिया गया था, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी 5 हिस्सों में बात 5 कॉन्टिनेंट में बट गई। यह सिर्फ हमारी डायन डायनेस्टी की ह्यूमिलेशन वाली बात नहीं है, बल्कि मैं पूरी ह्यूमन रेस के लिए ह्यूमिलेशन वाली बात है। और आज मैं ये अनाउंस करता हूँ कि आज मैं तुम्हारे पूरी गोल्डन विंड रॉक क्लैन को तबाह करने वाला हूँ। और एक बार हम लोग वो सारे के सारे 5 कॉन्टिनेंट्स को वापस से हासिल कर लें तो हमारी ह्यूमन रेस की जो डेस्टिनी है वो वापस से ठीक हो जाएगी, पहले की तरह हो जाएगी और प्रॉस्परस हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है गोल्डन विंड रॉक क्लैन के लीडर को, जिसको देख यह बात सुनने के बाद वो हंसने लगता है और उससे क्या लगता है, तुम मुझसे किस तरह के मजाक कर रहे हो, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जबकि तुम ऐसा कुछ मेरे साथ कहने में लगे हो। तुम जी युंदा बस हमेशा इतना ही कहते हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हमें जब इस डीमन की लीडर का चेहरा दिखाया जाता है तो मुझे इतनी हंसी छूटती है इस चंपती का चेहरा देखने के बाद कि मैं क्या ही बताऊँ लोग गाइस। और कहने लगता है, तुम तो एक ऐसे बंदे हो जो कि हमेशा नॉनसेंस बकता रहता है। और अनाउंस कर देता है कि आज मैं अपनी पूरी की पूरी गोल्डन विंग रॉक क्लैन को और उस पूरी की पूरी आर्मी को तुम्हारे डायन कंट्री पर डायन डायनेस्टी पर अटैक करने के लिए बोलने वाला हूँ और पूरी की पूरी डायन कंट्री को अपने कब्जे में कर लूँगा। और गोल्डन विंग्ड रॉक क्लैन का जो लीडर होता है मन में सोचते हुए कह लगता है अपने आप से, अभी हमारी जो आर्मी है उन्होंने तुम्हारे सोल्जर्स को बिल्कुल चुटकी की तरह पूरी तरीके से हरा दिया है और पूरी की पूरी आर्मी तुम्हारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तुम तो वाकई में जानते नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ एक झटके में तुम्हारी पूरी पूरी आर्मी को बची कुची आर्मी को किस तरीके से तबाह करता हूँ। तभी अचानक से वो किसी चीज को देखता है और उसकी आंखें फटे की फटे रह जाती हैं। तभी हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि जियांग चैन के द्वारा दी गई जो पेंटिंग थी वह उसके हाथों में होती है और उसमें से कुछ एनर्जी टाइप की निकल रही है। इसको देखने के बाद गोल्डन विंग्ड रॉक क्लैन का लीडर उससे देख कर कहने लगता है, क्या तुम ये चीज लेकर आए हो और तुम सोच रहे हो कि इस चीज के सहारे तुम मुझे हरा सकते हो। और वहाँ पर डीमंस और ह्यूमंस होते हैं वो देखकर कंफ्यूज होते हैं कि अगर यहाँ पर चल क्या रहा है, एम्परर करना क्या चाहता है। और वो जो डीमन एम्परर होता है वो उससे क्या लगता है, तुम बस मेरी बेइज्जती करने में लगे हो। और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि सारी की सारी आर्मी को अटैक करने के लिए आदेश दे देता है और सारी की सारी आर्मी उस पर अटैक करने लगती है उस एम्परर पर चारों तरफ से। और तभी जो एम्परर होता है वो उस पेंटिंग को खोलता है और उससे क्या लगता है कि अब समय आ चुका है तो मैं असली पावर दिखा देगा। और जैसे ही वो उस पेंटिंग को खोलता है तो उसमें बनी होती है जियांग चैन की तस्वीर जिसमें वह एक स्वॉर्ड पकड़े होता है। और जैसे ही पेंटिंग को खोलता है तो वो जो इमेज होती है वो रियलिटी में बदल जाती है वर्चुअल स्टेट में, और बदलने के बाद वो पूरी की पूरी एनर्जी से बन जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो जियांग चैन होता है वर्चुअल वाला वो स्वॉर्ड को घुमाना चालू करता है और एकदम काफ़ी ज़्यादा भयानक और गुस्से वाला दिख रहा है और एकदम से अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करने लगता है। ये देखने के बाद जो गोल्डन विंड रॉक्ड क्लैन का लीडर होता है वो कहने लगता है, तुम इस तरीके से मजाक करना मेरे साथ बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पर इतना ब्लफ करोगे मैं मान जाऊंगा। लेकिन जो जियांग चैन होता है वो अपनी फुल फोर्स के साथ उस स्वॉर्ड को बस एक स्वॉर्ड को स्विंग करता है जिसके कारण वहां पर इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी होती है कि वहां पर एक जोरदार लाइट चमकती है आसमान में और वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन्होंने एक गोल चमकती हुई रेडियंट लाइट देगी। वह लाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि जो स्पेस होता है वे भी आपस में बढ़ जाता है और सभी के शौक उड़ जाते हैं और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि सितारे भी थर थर कांपने लगते हैं। ये पूरा का पूरा प्लेनेट, वह तारे और यहाँ तक कि पूरे के पूरे सारे कंटिनेंट ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी इस एनर्जी में ढक चुके हैं। और उस एनर्जी में से एक जोरदार धमाका होता है उसकी तरफ और वो इतना ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है कि उनके पसीने छूट जाते हैं और किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि क्या चल रहा होता है। और एक ही स्वॉर्ड में जियांग चैन के जो गोल्डन विंग्ड रॉक क्लैन की पूरी पूरी आर्मी होती है पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और बस एक ही साइड से पूरी की पूरी किंग की एज जैसी हो जाती है जो कि अभी कुछ समय पहले हंसने में लगा था वो भी अपनी आर्मी के साथ। और पूरी की पूरी आर्मी डीमन की हार चुकी है इस वक्त। और जिसको देखने के बाद एम्परर मन में सोचते कह लगता है, यह चीज़ सिर्फ अमेजिंग ही नहीं है बल्कि मैं खतरनाक भयाल बवाल कतई जहर है जहर। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये चीज़ लिखना है। और सब सामने देखते हैं तो जो आसमान होता है वो दो टुकड़ों में बट गया होता है और स्पेस खुल गया होता है, इसमें वॉइड खुल गया होता है। और उसको देखकर कहने लगते हैं, इसने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड से वॉइड को काट दिया है। और जो गोल्डन विंग्ड रॉक क्लैन का लीडर होता है वो उसको देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। ये तो बस एक स्वॉर्ड इमेज थी और बस इसकी एक स्वॉर्ड इमेज ने मुझे ऐसी आदत कर दी है कि मैं मरने के करीब पहुंच चुका हूं। भाई क्या चौमू दिख रहा है, ये किस तरीके का गोल्डन रॉक क्लैन है भाई। और तभी डायन डायनेस्टी का जो एम्परर होता है वो गोल्डन विंग रॉक क्लैन के किंग के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपनी हार मान लो मुझसे। और जो डीमन किंग होता है वो उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है मैं तुमसे हार मानता हूँ अपनी।
और तभी एम्परर उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुम हमारे सारे के सारे जो 5 कॉन्टिनेंट्स और जो हमारी जमीन है वो वापस कर दो तो हमारे बीच की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी और मैं तुमसे और कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा। और वो बंदा भाई डीमन ऑर्कमंड मान भी जाता है बस इसकी एक बात सुनने के बाद, और मन में सोच तो कहने लगता है कि मेरे में सच में इतनी हिम्मत बची भी हुई है कि मैं वापस से इसकी बातों को मना कर सकता हूँ। अगर इसने दोबारा उस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो मेरी तो छोड़ो, मेरी पूरी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। और जैसे ये बात ह्यूमन रेस सुनती है तो वो खुशी से झूम उठती है और अनाउंस कर देता है कि जो 5 कॉन्टिनेंट थे जो कि ओरिजिनली ह्यूमन रेस पर बिलोंग करते हैं वो वापस से डायन डायनेस्टी में जुड़ चुके हैं। और एम्परर को दिखाया जाता है जो कि खुशी की मारे उसके आंसू निकल पड़ते हैं और उससे कहने लगता है आखिरकार हमने अपनी जमीन को वापस हासिल कर ही लिया है। और सभी के सभी लोग उसी बारे में बात करने में लगे हुए हैं, क्या तुमने ये बात सुनी कि जो डायन डायनेस्टी है 5 कॉन्टिनेंट की फाइट को जीत चुकी है और हमारी पूरी जो डायन डायनेस्टी है वो सेकंड वॉर को जीत चुकी है। ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे और उन डीमन किंग की आर्मी के बीच का जो फासला है वो बहुत ज्यादा था, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिशी जरूर है। मैंने ये बात भी सुनी है कि एक आदमी एक पेंटिंग से बाहर आया और उसने बस एक स्वॉर्ड घुमाई जिसके कारण आसमान में वॉइड भी कट गया और तारे भी कट गए और उसने एक स्वॉर्ड ने पूरी की पूरी डीमन आर्मी को तबाह कर दिया था। ये बात सुनने के बाद कुछ लोगों को तो इस बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा होता और कहने लगते हैं क्या तुम इस बात सही कह रहे हो, ये बात कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये सब किसी सेंट ने किया है जो कि एंशियंट टाइम से जिंदा है या फिर हमारे डायन डायनेस्टी की फोर फादर्स ने किया है। तभी वहाँ पर किसी लड़की को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है और ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि मैं यूए हुआ गए जो कि वहाँ पर आते हुए मन में ये सब इनकी जब वार्तालाप हो रही होती है बातें चल रही होती है सुनती है और सुनने के बाद कहने लगती है ये सब और कोई नहीं कर सकता बल्कि मैं ये सब करने वाले एक ही बंदा है और मैं उस बंदे को जानती हूँ कि आखिरकार ये सब किसने किया है। भाई लॉन्ड याद बवाल दिख रही है और बताती है कि जो गोल्डन विंग्ड रॉक क्लैन था वह पहले इतना ज़्यादा पावरफुल था जिसमें पूरी दुनिया में कोई कंपेयर नहीं कर सकता था और वह बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन डोमेन में रहते हैं वो भी अपनी प्रोफाइंड फाउंडेशन के साथ। लेकिन जरा देखो तो जरा किस तरीके से ये लोग एक पेंटिंग से हार चुकी है और हमें बताया गया है कि जो डायन डायनेस्टी है वो उस डीमन रेस से बिना किसी परेशानी के एक झटके में जीत गई। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो दुनिया वालों को नहीं पता हुआ है कि डायन डायनेस्टी की विक्ट्री ना होते हुए सच सच कहा जाए तो इस पूरे के पूरे स्कैन के पीछे एक बहुत डरावना और बहुत हॉरिबल पर्सन का हाथ है और उस बंदे का नाम जियांग चेन है और जो कि इस पूरी पूरी बैटलफील्ड को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। और यूए हवांग के ये सोचते हुए पसीने छूट रहे होते हैं और वो घबराते हुए मन में सोचते कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है जो कि पूरी की पूरी डायन डायनेस्टी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। ये सब इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए था, अगर इसने सच में पूरी की पूरी डायन डायनेस्टी पर कंट्रोल कर लिया है तो भगवान जाने कि आखिरकार फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। आखिरकार ये ह्यूमन रेस की टॉप पावर जो है और उसका कोई भी एक डिसीजन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिलाकर रख देगा और भाई ये सोच सोच के कभी पगला जा रही होती है जी मौड़ी। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा आखिरकार चाहती क्या ये लोंडिया, उससे इतना ज्यादा क्यों डर रही है और इतनी ज्यादा क्यों गुस्सा हो रही है उससे, उसे डेविल समझती है ये लोंडिया तो कतई, और इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही होती कि उसने पूरी की पूरी डायन डायनेस्टी पर कंट्रोल कर लिया है और कहती है नहीं 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 मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। और तभी पीछे मुड़कर देखती है तो भाई कितनी औसम लगती है जब इतनी शांत होती है कूल लगती है, लेकिन भाई कितनी चुड़ैल लगती है जब किसी मतलब बुरी सोचती है किसी के बारे में तब। और तभी कुछ एनर्जी उसी से महसूस होने लगती है किसी पेंटिंग से और तभी हमें दिखाया जाता है और कोई पेंटिंग नहीं है बल्कि भाई वे आइस मतलब माउंटेन्स की पेंटिंग है जो कि जियांग चेन के द्वारा इसे दी गई थी। और उस पेंटिंग को देखते हुए मन में सोचते कहने लगती है कि जब से ये पेंटिंग मुझे हासिल हुई है मैं तब से प्रैक्टिस करने में लगी हुई हूँ और मेरे सागे के पास जो सोर्स है मेरे एनर्जी का जो सोर्स है जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसे समझकर अपने आप की पावर बढ़ाना चाह रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि इसका जो अफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था और मैं ये बात महसूस भी कर सकती हूँ कि मेरी बॉडी के जो आइस फिनिक्स बॉडी है कोल्ड प्रिजन वह फंडामेंटली चेंज हो चुकी है वो पहले के मुकाबले में, और तो और मेरी कल्टीवेशन है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो गई है। और तो ये भी नहीं कह सकती ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि मेरी पावर पहले के मुकाबले में और ज़्यादा बढ़ चुकी है, कभी बवाल दिख रही है यार ये तो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है न जाने क्यों कि मैं किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास कुछ तो ऐसी कमी है जो अभी भी पूरी नहीं हो रही है, एक छोटी सी कमी। तभी उस पेंटिंग के पहाड़ की चोटी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गायब होती है। भले ही मुझे पता है कि जो पेंटिंग है 10,000 माइल्स जो आइस की बनी हुई है वो मुझे मदद कर सकती है मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने में, लेकिन मेरी जो कोल्ड प्रिजन आइस फिनिक्स साइकिक है उसकी जो लिमिट है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है एक पर्टिकुलर लिमिट पर। मेरे साइकिक को भी मुझे पता है कि रिपेयर हो चुका है लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ मिसिंग है जो कंप्लीट नहीं कर पा रही है अभी भी।
ओरिजिनली मुझे लगा था कि ये सब एक इल्यूजन है मेरे लिए, लेकिन जितना ज्यादा मैं कल्टीवेट करती जा रही हूँ मेरी फीलिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि यह भी उस बंदे का एक ट्रैप है जिसमें मैं फंसती जा रही हूँ, और यह बंदा जानता था कि मैं अपनी कोल्ड प्रिजन आइस फिनिक्स बॉडी को वापस रिपेयर करना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर इसने मुझे यह पेंटिंग दी है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पेंटिंग भी मेरे ओरिजिन को पूरी तरीके से रिपेयर नहीं कर सकती कम्प्लीटली, बल्कि मैं इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा मुझ पर, और जिस जो कारण है कि ये मुझे मदद करने में लगा हुआ मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, शायद ऐसा हो सकता है और मैं इसके जाल में दिन ब दिन फंसते जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अबे क्या है भाई, सोच रही है लेकिन ठीक है भाई, सोच लो भाई जैसे सोचना है, लेकिन यार बिना कपड़ों पे काहे सोचने में लगी हो, और जिस तरीके से अभी देख रही है अपने आप को भाई, क्या एंगल है, क्या पोजीशन है भाई, दिमाग ला दिया, कहते एटीज ब्लेंड कंटेंट बन जाएगा। और मन में सोचते कहने लगती है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल बनाना चाहता है, और वो घबराते हुए पसीने छूट रहे होते हैं। उसकी औरत से कहती है, शिट मैं डायरेक्टली इसके जाल में फंस चुकी हूँ अब तो, और मुझे पता है कि ये मेरी गलती थी कि मैं अपने साके को रिपेयर करना चाहती थी जल्द से जल्द, और मैं लेकर ज़्यादा इम्पल्सिव निकली और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो सोचा भी नहीं था। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, जो मेरे साइकिक की जो कमी है अगर वह पूरी नहीं हुई तो ये फ्यूचर में मेरे कल्टीवेशन को जरूर अफेक्ट करेगा। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि इस पेंटिंग की मदद से मैं अपनी साइकिक को बिल्कुल से ठीक कर लूँगी, रिपेयर कर लूँगी, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी अपनी पावर को और भी तो बढ़ा लूँगी ताकि मैं जियांग चैन से फाइट कर सकूँ। लेकिन अब जो मेरा प्लान है वह कम्प्लीट नहीं हो सकता, और अगर वह बनता सच में इतना पावरफुल है जितना मैं सोचने में लगी हूँ इस वक्त, तो मैं हॉलीलैंड के एल्डर्स और हॉलीलैंड के लीडर को इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक इस तरह की एग्जिस्टेंस है जिससे कि पूरा का पूरा हॉलीलैंड भी फाइट नहीं कर सकता, और अगर मैंने इसके बारे में हॉलीलैंड को बता दिया तो ये वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होने वाली है। अब देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, जो भी बिल्ली के गले में घंटी पहनाएगा उसी को उसके गले से घंटी उतारनी भी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब वापस से जियांग चैन के पास जाना ही पड़ेगा। और तभी हमें जियांग चैन के उस छोटे से घर का दिखाया जाता है जहाँ पर जो जूलिन होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में हाँपने में लगी हुई है इस वक्त, और बेड पर लेटी हुई है, उसका चेहरा टोटली लाल पड़ा हुआ होता है, और वो जियांग चैन से पूछने लगती है, मास्टर क्या ये प्रोसेस खत्म हो गई? और तब जियांग चैन उसकी तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर कोई भी किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं आ रहा होता। भाई ये सख्त लौंडा है जियांग चैन, तो कतई सख्त लौंडा। तभी जियांग चैन उससे कह लगता है, यस हमारी जो एक्यूपंचर प्रोसेस है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लेकिन जो जूलिन के एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और जियांग चैन उससे कह लगता है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है सबसे पहले तो मैं कुछ अब्स को उबालना है और उसे पीना है। और मन में सोचते हैं जियांग चैन बोलते सोचने लगता है और कह लगता है कि इस समय पर मैं वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे हर एक दिन गाँव में जाना पड़ता है ताकि मैं कुछ मेडिकल हर्ब्स वहाँ से तैयार कर सकूँ और वापस जूलिन को दे सकूँ और एक्यूपंचर भी कर सकूँ। जब से मैं इस दुनिया में आया हुआ हूँ तब से मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत ना की है, खैर भूल जाओ इस बारे में, सबसे पहले मैं अपने जाकर लंच बना लेता हूँ। और मैं वहाँ से चला जाता हूँ, अंग्रेजी लेता हुआ उससे कह लगता है कि मैं अभी लंच बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे घर का ख्याल रखना। और जूलिन उससे कह लगती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, हम आपके घर का ख्याल रखेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तभी अंकल लान वहाँ पर आते हैं और जूलिन से कह लगते हैं कि जो आपकी मेडिसिन है वो तैयार हो रही है, तो आप उसको जल्द से जल्द पी लो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तभी अचानक से जूलिन की नज़र किसी चीज़ पर जाती है और वो कुछ और नहीं है बल्कि मैं तूशान होती है वो फॉक्स लैंड वाली, और वो कहती है अंकल लान से, अंकल लान जरा इस फॉक्स को देखो तो, जरा इस फॉक्स का जो कल्टीवेशन है वो आखिरकार अंत तक पहुँचने वाला है। तूशान क्लैन के बारे में बात करो तो मुझे यहाँ तक पता हुआ है तो वहाँ की जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन है वो फॉक्स एम्परर है जिसके पास 5 टेल्स हैं। और अंकल लान ये बात सुनने के बाद कहने लगते हैं, लेकिन इस फॉक्स को देखो तो जरा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी जो ब्लड लाइन है वो उसकी माँ उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ इसको पहचानने में, तो जो फॉक्स है वो फॉक्स एम्परर की डॉटर होनी चाहिए जिसके पास 6 टेल ब्लड लाइन थी, तूशान मो। लेकिन भाई जब इसका ह्यूमन फॉर्म और फॉक्स फॉर्म दिखा जाता है ना तो कत्ता ही लड़ा डालाना रे गाइस, अगर अब भी आप लोग ये लाइक नहीं कर रहे हैं तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। अगर ये वाकई में जो मैं सोचता हूँ अगर तूशान मोह है तो ये वाकई में इसके लिए एक ब्लेसिंग वाली बात है कि इसे यंग मास्टर के द्वारा बड़ा किया जा रहा है, पाला जा रहा है, क्योंकि जो तूशान क्लन वाले थे एंशियंट टाइम में फाइट करने का कारण उनकी जो ब्लड लाइन है उनके पास एक कर्स चला गया है, और तभी से उनकी जो ब्लड लाइन है उनकी ऑफस्प्रिंग में से कोई भी प्योर ऑफस्प्रिंग नहीं आई अब तक। तूशान मोह उसके पास जब पैदा हुई थी जब 6 पूछे थी मतलब 6 टेल्स थी, भले ही वह इतना ज़्यादा क्लोज नहीं था इसके पीक तक, लेकिन अगर कहीं इसी तरीके से हम अपने इस यंग मास्टर के साथ बनी रही तो इसके लिए ज़्यादा दूर मतलब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इसको ग्रो होने में, और ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से वह इवॉल्व होती रहेगी, और आखिर में इसकी 9 टेल्स आना भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसको सुनने के बाद जो जूलिन होती है वो अंकल लान से कहने लगती है कि जो 9 टेल है टूशान फॉक्स क्लैन में वो कई सालों कई हज़ारों सालों से नहीं आई है,
और तभी जो फॉक्स होती है वो वापस से नॉर्मल में एक पूछ वाली छोटी सी लिटिल क्यूट सी फॉक्स बन जाती है, जिसको देखकर जो जूलिन होती है वो उससे कहने लगती है जरा इसे देखो तो जरा वापस से ये नॉर्मल फॉक्स बन चुकी है, और इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये वापस से सोने जा रही है अब। और तभी अंकल लान कहने लगते हैं मिस आपका समय हो चुका है कि आप जल्द से जल्द अपनी मेडिसिन को ले लें, और वह मेडिसिन पीना चालू कर देती है। और जैसी मेडिसिन पीने लगती है तो उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है हाय, फिर बोलती है हाय हॉट महसूस हो रहा है। भाई ऐसे बोलेगी तो हमारे लौंडे गलत समझेंगे, ऐसे ना बोला करो, ये गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़। और उसको पीने के बाद कहने लगते कि मैं महसूस कर सकती हूँ मेरी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है वो बैलेंस होती जा रही है, और जिस तरीके से मेरे बॉडी का जो ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ही मेरी बॉडी के अंदर जो हेवनली सेवन यंग मर्डेंस है उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और तो यंग मास्टर ने मुझसे यह भी कहा था कि एक बार सेकंड ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो इसका जो अफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुझे पता लगने वाला है, और जैसे ही थर्ड टाइम का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा थर्ड टाइम का, तो मेरी बॉडी के अंदर जो हेवनली सर्विंग यंग मर्डेंस है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगी। और जब एक बार ऐसा हो जाए तो मैं अपने दिल मतलब अपनी इच्छा अनुसार कल्टिवेट कर सकती हूँ जितना चाहूँ उतना, और जिस रास्ते में मैं चलना चाहती हूँ मैं उसी रास्ते पर चलूँगी। फिर तभी अचानक से कुछ महसूस होने में लगा हुआ होता है, और उसको महसूस करती है और कहने लगती है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और वहाँ पर किसी के धमाके से आने की आवाज़ सुनाई देती है, और अंकल लाना उससे कहने लगते हैं मैं तो यहाँ पर कोई आया हुआ है, और तभी यहाँ पर कोई और नहीं है बल्कि मैं यूए होंग यहाँ पर आई हुई होती है, दो की कतई बवाल लग रही होती है देखने में। और तभी यूए होंग सामने देखती है और जो जूलिन होती है वह भी वहाँ पर आ जाती है, और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। और उसको देखने के बाद यूए होंग मन में सोचते कहने लगती है यहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक छोटी सी लोली यहाँ पर खड़ी हुई है, आखिरकार ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन के कंपेनियन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार इस जैसे हॉरिबल पर्सन के दुनिया के कंपेनियन में कैसे हो सकते हैं, और ये बंदा इतना तक खतरनाक जो है जियांग चैन, उनमें से इन दोनों में से एक बंदे का कल्टीवेशन काफ़ी था लो है और एक का कल्टीवेशन काफ़ी था हाई है, और मुझे इस बात का डर है कि ये तो जियांग चैन की आंखों में भी ना आएंगे, वो तो इन पर नज़र भी ना मारे। तभी अचानक से तो दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती घबराते और पसीने छुड़ाते हुए अब मुझे समझ में आया इन दोनों के बारे में, ये दोनों के दोनों जियांग चैन के पाउंस हैं, पाउंस, यस यही हो सकता है। भाई गेम का हिस्सा का चेस के पीस बना लिया इसको तो, और वो भी कैनन फोल्डर लेवल की पाउंस, और कहीं हंसने लगती है और अपनी तारीफ करते हुए अपनी तारीफ करते हुए कह रही लगती है कि अब तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ इनके मुकाबले में तो। और तभी अचानक से जो जूलिन होती है वो इस तरीके के व्यवहार देखती है इस लड़की का यानी कि यूए होंग का, तो मन में सोचते हुए अपने आप गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है और मन में सोचते हो कि आखिरकार मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इसकी इतनी ज़्यादा स्माइल देखते हुए, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात है, मैं यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा समय से रहते हुए आ रही हूँ लेकिन मैंने यहाँ पर किसी को आते हुए जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन जरा इस लड़की को देखो तो जरा इसके गुब्बारे कितने बड़े बड़े हैं, इसके लिप्स कितने ज़्यादा हॉट हैं, और इसके जो पैर हैं और जो हाथ है कितने ज़्यादा स्लिम और कितने ज़्यादा चिकने हैं। भाई ये पूरी पूरी लौंडी है इतनी चिकनी है और इतनी ज़्यादा हॉट है ना कि कोई भी लौंडा इस पर पगला जाए इसको देखने के बाद, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये लौंडिया सोच रही है लोली, और कहती है कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जरा इस लौंडिया को देखो तो जरा ये तो वाकई में मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और भाई बड़े वाली जो बात चल रही है ना वो गुब्बारों वाली बात चल रही है, वो वाली बात नहीं चल रही, और इसको इतने ज़्यादा बड़े बड़े गुब्बारे देखने के बाद और इसके अपने गुब्बारों को मैच करती है और कहती है मेरे गुब्बारे इतने बड़े क्यों नहीं है भाया क्यों नहीं है, और मन महसूस तो कहती है इसको देखकर तो वाकई में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अडंग महसूस हो रहा है, और जो अंकल लान होते हैं वो इसको देखने में लगे हुए हैं और वो उसे बुलाते हैं। तभी जो जुलन होती है वो चैन की सांस लेती है, अपने आप को शांत करती है और उससे कह लगती है अपने आप से मन में सोचते हुए शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़की है वो हमारे यंग मास्टर की गेस्ट है जो कि बाहर से आई हुई है, और हमारे जो यंग मास्टर है इस वक्त लंच ब्रेक लेने में लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी तो बुरा हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पर इसका स्वागत ना करूँ इस घर में तो चलो मुझे इस लड़की को एंटरटेन करने दो, और जाती है उससे हेलो कहती है, लेकिन जो यूए होंग होती है वो डायरेक्टली जूलिन को इग्नोर मार देती है और वो फुल स्पीड में उसको इग्नोर मारती हुई अंदर की तरफ चली जाती है। ये बात देखने के बाद तो जूलिन और भी तो गुस्सा हो जाती है और कभी गुस्से से फूल जाती है और चिल्लाते उससे कह लगती है आखिरकार तुम कौन है, तुम्हारी हिम्मत क्या इस तरीके से यहाँ पर घुसने की, तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जो हमारे यंग मास्टर वो इस वक्त लंच ब्रेक लेने में लगे हुए हैं और मैं नहीं चाहती हूँ तुम उनके आराम को इस तरीके से डिस्टर्ब करो। तभी यूए होंग उससे गुस्से में पीछे मुड़कर देखती है और उससे कह लगती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात सुनने के बाद जूलिन को भी गुस्सा आ जाती है और उससे कह लगती है ये लड़की तो वाकई में एक नंबर की अनोइंग है। तभी वहाँ पर जो अंकल लान होते हैं वो घूरकर उस लड़की को देखना चालू कर देते हैं, उससे कह लगता है हे गर्ल तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे बात करने का सही तरीका नहीं है, और दोनों के दोनों अपने ऑरा को वहाँ पर रिलीज़ करना चालू कर देते हैं। लेकिन यूए होंग भी कहाँ पीछे हटने वाली, वो भी अपना ऑरा रिलीज़ करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जियांग चैन होता है वो आराम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ का जो मौसम होता है वो काफ़ी तक ठंडा हो जाता है जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और वो ठंड के मारे कांपना चालू कर देता है। और अंकल लान यूए होंग के पास आते हैं, उसे बुलाते हैं
और उससे कहने लगते कि ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है कि तो अपनी पावर को यहाँ पर इस तरीके से रिलीज करो। और जब यू यांग अंकल लान को देखती है तो वो कहने लगती है इस बुड्ढे की जो ताकत है वो मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं है। तभी जो जूलिन होती है वो चिल्लाते उससे कह लगती है अंकल लान, लेकिन भाई यू यांग भी कहाँ हार मानने वाली, वह भी अपनी फुल पावर को रिलीज कर देती है और अपने आइस प्रिजन गोल्ड फिनिक्स का जो साकेक होता है उसे रिलीज कर देती है, जिसके कारण वहाँ का जो मौसम होता है वो और ज्यादा ठंड में बदल जाता है। और इसको देखने के बाद अंकल लान कहने लगते हैं ये तो फिनिक्स टू इंटेंट है, और दोनों का ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी जूलिन कहने लगती है क्या तुम वाकई में फेडरेट सेंटेस हो क्या जिसका नाम मू यू हुआंग है। तभी यू यांग अपनी छाती चौड़ी कर लेती, भाई इतनी छाता चौड़ी करेगी तो गुब्बारे भरा जाएंगे तेरे, इतने तो पहले ही दिख रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, सारे भोला कभी भोगला जाएंगे सारे के सारे हमारे व्यूअर्स। और उस एकदम छाती चौड़ी करती है यू यांग उससे कहने लगती है अच्छा तो अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार मैं कौन हूँ, तो कैसा लगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ अभी के अभी। तभी जो जूलिन होती है वो उसके सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है तो आखिरकार इतना ज्यादा कौन सी बड़ी बात है, तुम अगर फेदर सेंटेज हो तो हम वर्ड ट्राइब वाले आखिरकार तुमसे डरते हैं क्या। और वो उसके सामने खड़ी होकर अपनी ऑरा रिलीज करने लगती है, भाई कितनी औसम लग रही है ये लोली, कितनी औसम, हमारे व्यूअर्स को देख कर कभी भोगला गए इस लोली को। और अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो मैं कुछ भी ना कर सकता यार, उसमें तो उम्मीद ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गाइस में हमारे जो सब्सक्राइबर टारगेट है जल्द जल्द हमारा सब्सक्राइबर टारगेट कंप्लीट करा दीजिए। और जैसे यू यांग ये सुनती है कि जी वर्ल्ड ट्राइब से है तो उसकी भी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और उसके पसीने छूट जाते डर के मारे। और तभी हमें वर्ल्ड ट्राइब के बारे में बताया जाता है और बताते हैं कि ये एक एंशियंट रेस है जो कि एंशियंट टाइम से एग्जिस्टेड है। भले ही जो वर्ल्ड ट्राइब वाले हैं वो ह्यूमन रेस की एग्जिस्टेंस है और उन्हीं में से एक ब्रांच है, लेकिन ये बाकी के ह्यूमन रेस से अलग है। जो यू वर्ल्ड ट्राइब वाले हैं वो अपने खुद के एक मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड में रहते हैं और वे कभी भी इजीली अपने वर्ल्ड से अपनी दुनिया से बाहर नहीं आते। भले ही इस दुनिया के जो ह्यूमन रेस है वो पूरी तरीके से तबाही क्यों ना हो जाए, वह बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाले इस बचाने के लिए यहाँ पर। इसलिए भले ही हम दोनों सेम रेस से हैं और ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो एंशियंट रेस की जो रेपुटेशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ह्यूमन कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और तो और हमारी दुनिया में इस तरह के रूमर्स भी फैले हुए हैं कि एंशियंट टाइम्स में जब एनिहिलेशन हुआ तो पूरी तरह से तबाही मची थी, वो उस वर्ल्ड ट्राइब के सर्वाइवर से कुछ लेने देना है इसका। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि आखिरकार इनका जो कॉन्टेक्ट है वो इस खतरनाक बींग से बना हुआ है, यानी कि जियांग चैन। भाई साहब क्या क्या सोचती है ये, आखिरकार इसका दिमाग किसने दे दिया है इसको। और अब ऐसा लगता है कि जियांग चैन इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है कि और ये एंशियंट टाइम से जिंदा है, जो कि सभी की सभी चीजों को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है अपने हिसाब से, वो भी एंशियंट टाइम से। और अब उसका समय आ चुका है कि वे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चालू कर दे। और कहती है अच्छा तो क्या हुआ अगर ऐसी बात है तो, मैं अपनी फिर भी पावर को बढ़ाऊंगी और उसको चैलेंज करूंगी। और तभी यू ये अंकल को साइड में करते हुए उससे कहने लगती है कि मैं इस जगह के इस घर के अंदर जाना चाहती हूँ, इस वक्त तुम्हारे तरफ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और तुम्हारी ये हक भी नहीं बनता है कि तुम मुझे अंदर जाने से रोको। ये बात सुनने के बाद जो अंकल लान होते हैं वो भड़क पड़ते हैं और वो अपना पूरा ऑरा रिलीज करते हैं, उससे कह लगते हैं जरा देखो तो जरा तुम्हारी हिम्मत को, तुम तो यहाँ पर बिना परमिशन के भी घुसी जा रही हो इस तरीके से। और तभी यू यांग उससे कहने लगती है तो अच्छा तो तुम वर्ल्ड ट्राइब वाले हो, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। और तभी जो अंकल लान होते हैं वो यू यांग पर अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन यू यांग भी कहाँ पीछे हार मानने वाली, वह भी अपनी पावर को इकट्ठा करती है और दोनों के दोनों फाइट करना चालू करने वाले ही होते हैं। तभी दूसरी तरफ देखा जाता है वहाँ का जो मौसम होता है वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा बन गया होता है, जिसके कारण जियांग चैन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। और ज़्यादा ठंड लगने के कारण जैसे जियांग चैन बाहर आता है तो वो एक जोरदार छींक मारता है, जैसे ही वो छींक मारता है तो जो अंकल लान और जो यू हुआंग होते हैं उनका जो ऑरा होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और उनका जो ऑरा पूरी तरीके से आसमान की तरह गायब हो जाता है और उड़ जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों को दोनों शक हो जाते हैं और भरोसा और विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं आखिरकार ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, और कहते हैं अभी यहाँ पर क्या हुआ, और अंकल लान को भी विश्वास नहीं हो रहा होता। लेकिन जो जूलिन होती है वो ये सब देखकर कभी आज की आंखें चमक से भर पड़ती है और उसे कह लगती है ये सब यंग मास्टर ने किया है। और यू हुआंग भी कह रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है और कहने लगती है कि हमारा ऑरा पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो गया बस इसकी एक छींक से। लेकिन जियांग चैन उससे कहने लगता है उन सभी से अपनी नाक को पहुंचते हुए आखिरकार ये मौसम इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो गया अचानक से, और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार मेरे घर के बाहर इतना ज्यादा भर क्यों मचा हुआ है, इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है और कभी तो गुस्सा हो रहा होता है। और तभी बाहर निकल कर देखता है तो जहाँ पर कोई और नहीं है बल्कि मैं यू यांग होती है, और उसको देखने के बाद कहते हैं इसकी आंखें पैसों से भर जाती हैं और कह सकता है कि आखिरकार मेरा नया बिजनेस यहाँ पर आ चुका है। और उसे एक्साइटेड में बुलाने लगता है और उससे कह लगता है मिस यू यांग आखिरकार तुम यहाँ पर आई गई, तुम तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रेयर गेस्ट हो, प्लीज़ अंदर आ जाइए। और तभी जूलिन जब ये बात सुनती है तो वो कहीं शौक हो जाती है और उससे कह लगती है क्या इस लड़की को तुम पहले से जानते हो। लेकिन दूसरी तरफ यू यांग का जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रहे होते और यू यांग मन में सोचते कहने लगती है क्या तुम सच में मेरी उम्मीद यहाँ पर आने की उम्मीद करने में लगे हुए थे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो साकेक है उसकी जो सोर्स पावर है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ वाकई में ये एक तुम्हारा ट्रैप था ताकि तुम अपने जाल में दूसरी पार्टी को फंसा सको। और तभी भी धीरे धीरे करके अंदर जाने लगती है और दूलिन से सब देखने में लगी होती है और दोनों के दोनों ये देखकर शौक हो जाते हैं। तभी जियांग चेन उससे कह लगता है कि तुम दोनों के दोनों अंदर क्यों नहीं जाते, बाहर का जो मौसम है वो काफी ज्यादा ठंडा है। और एक स्माइल के साथ यूए हांग को अंदर बुलाने लगता है। तभी यूए हांग बिना किसी परेशानी के अंदर जाना चालू कर देती है और इस वक्त वह काफी ज्यादा घबराई हुई है और कपकपा भी रही होती है उसकी बॉडी बुरी तरीके से। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूलिन को जो कि उसको अंदर जाती हुई इस तरीके से देखता है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता और उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ गया होता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का चक्कर चल रहा है। और इसका इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद तो सिर्फ यही ख्याल आता है मेरे दिमाग में कि ये लड़की जेलिस है, जेलिस। तभी अंकल लान को बुलाती है। तभी अंकल लान आते हैं और उसे कह लगता है क्या हुआ मिस। तभी वो कह लगती है आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है मूवी हुई है उनकी और हमारे सीनियर के बीच की वो किस तरीके की होगी, किस प्रकार की होगी, आप मुझे बताइए। तभी अंकल लान मन में उसको बताते हैं, उसके सवाल का जवाब देते हैं कि मैं वाकई में अपने सीनियर के जो रियल नहीं है उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता। भले ही जो फेदर सेंटेंस है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन वे सीनियर की आंखों में नहीं आ सकते, उनकी नजरों में नहीं आ पाएंगी वो। और तभी जो जूलिन होती है वो ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की रिलेशनशिप है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक सीनियर एक जूनियर को गाइड करने में लगा हुआ है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी रिलेशनशिप नहीं हो सकती, सही कहा ना मैंने। और मन में सोचते हुए दूसरी तरफ कहने लगती है और बताती है अपने आप से ये वाकई में ऐसी बात है ना कि जो सीनियर है वो अपनी जूनियर को बस गाइड करने में लगे हुए हैं यंगर जनरेशन को और कुछ नहीं है ना, सही है ना, यही बात है ना। अंकल लान की जो कहने में लगे हों उसकी बात में एक बात तो पॉइंट तो है, मानना तो पड़ेगा। ये जो फेदर सेंटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन जो हमारे सीनियर है वो किस तरीके के बंदे होंगे, कुछ समय पहले की बात है मुझे इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता था लेकिन अब मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। और उसका चेहरा ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा लाल पड़ रहा होता है और उसके गुब्बारे भी हिलाने की कोशिश कर रही है। लो इंडिया भाई साहब देख रही है कि इसके बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं, एक्यूपंचर से हवा घुस गई है कि नहीं घुसी है थोड़ी बहुत। और कहती है कि जो हमारे सीनियर है वो इसको इस तरीके से वेलकम करने में लगे हुए हैं वो भी एक इतनी ज़्यादा अच्छी स्माइल के साथ, इससे तो बस एक ही मतलब बनता है कि ये अपनी जूनियर को गाइड करने के लिए अंदर ले जा रहे हैं। यस बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई, जो सोचने में लगी हुई है जो एक्सप्रेशन देखने के बाद तो बस समझ गए भाई, हमें पता है, हमारे व्यूअर्स भी समझ गए, हम भी समझ गए इन दोनों के बीच का सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है अब तो, इसका मतलब जूनियर और सीनियर का। और दूसरी तरफ मुझे देखो मैं तो सीनियर के साइड में रहते हुए आ रही हूँ उनके साथ काफ़ी समय से। इसके मन में लड्डू फूट रहे हैं अब तो, इसके ये एक्सप्रेशन देखने के बाद अब जी इसने साफ साफ बता ही दिया है कि किस तरीके से वे जियांग चेन के साथ रहने की उम्मीद लगाने में लगी हुई है। और समझ रहे हैं ना गाइस, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और कहने लगती है कि जो सीनियर है उन्होंने सारे के सारे जो ध्यान है, सारी सारी जो बुद्धि है, सारे के सारा जो सोच है उन्होंने सिर्फ मेरी हेवनली यिन सेवरिंग मर्डर्स को ठीक करने में लगा दिया है, तो ये कहना भी हमारे लिए गलत नहीं होगा कि हम दोनों के एक कपल की तरह बनते जा रहे हैं। भाई साहब कपल बनना चाहती है, अबे लोली है तू, लोली है तो क्या हुआ, आपकी गोली है कतई। अगर आपको ये लोली पसंद है तो भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारा गोल कंप्लीट करा दो, तभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, आई मीन नया पार्ट आएगा तभी। अगर हमारा नेक्स्ट गोल कंप्लीट नहीं होता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आने वाला। और कहने लगती है अगर हम क्लोज रिलेशनशिप की बात करें हमारे सीनियर से तो उनकी सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप मेरे साथ है, मेरे साथ, बल्कि मैं दूसरी तरफ जो मुझ हुए होंगे उसे सिर्फ एक स्माइल से वेलकम किया है उसका सीनियर के द्वारा जो कि काफ़ी तक काइंड हार्टेड सीनियर है इसीलिए बिल्कुल तुषार मोह की तरह। और दूसरी तरफ कह रखती है कि जो हमारे सीनियर है वो शायद किसी ऐसी वूमन को भी प्रेफर कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और जिसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा मेहनत करनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपनी। आप तो इसके मन में लड्डू फूट गए हैं कि और ज़्यादा पावरफुल बनकर जियांग चेन की लुगाई बनना चाहती है लोली, क्या लवर बनना चाहती है, लवर लुगाई वही इतना ही लवर बनना चाहती है और कभी एक्साइटमेंट और जोश से भर जाती है। और जब अंकल लान इसके इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखते हैं तो वो टोटली कंफ्यूज होते हुए कहने लगते हैं यंग मिस को अपना मैटर खुद ही संभाल लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। और तभी अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चेन और जो यूए यांग होते हैं वो गेम खेलना चालू कर देते हैं और जैसे ही यूए यांग जियांग चेन के द्वारा दी गई कंफर्टेबल मतलब चाय को पीती है जब फिर पानी जो भी होती है ड्रिंक करती है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है इस वक्त। और तभी जो जियांग चेन होता है वो यूए यांग से पूछ रखता है तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार जो मिस यूए यांग वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी यूए यांग होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है बात सुनने के बाद और वापस से होश में आती है अपनी दुनिया में और होश में आते हुए अपने मन में सोचते कह लेते ये बंदा तो काफ़ी वाकई में बहुत ज़्यादा डरावना है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है और पीछे मुड़कर शर्माने लगती है भाई गलती तेरी थी उसकी एक घूट चाय पीने के बाद उसके जाल में तू फंसी है यार, जाल तो नहीं है खैर अपनी सोच में ये दुनिया में अपनी। और तभी जियांग चेन उससे कह लगता है क्या आप बिल्कुल ठीक है मिस यूए यांग।
और जो युवियांग होती है मन में सोचते क्या लगती है कि इसकी जो टोन है वो वाकई में बहुत ज्यादा जेंटल है। और इसकी स्माइल से देखो, इसकी स्माइल कितनी ज्यादा गुड है और कितनी ज्यादा अच्छी है। और इसके आसपास का जो एटमोसफियर है वो कितना ज्यादा पीसफुल और कितना ज्यादा रेस्टफुल है। और उसके आसपास अगर कोई देखेगा अभी कोई दूसरा बंदा आता भी है तो बिल्कुल इसमें खो जाएगा सीरियसली और अनकॉन्शियसली। अगर मेरी कल्टीवेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं होता तो वाकई में इसके इल्यूजन में अट्रैक्ट हो जाती है इसके द्वारा, तो मुझे अपने अपने माइंड को और भी पक्का बनाकर रखना होगा और तभी यूएंग उससे कलेक्टी है। बॉस, आपने लास्ट टाइम जो पेंटिंग मुझे दी थी उसके कारण मुझे काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन उस पेंटिंग में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि उस पेंटिंग में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और रुकने के बाद मन में सोचते कहने लगती है मैंने ऑलरेडी इनफ कह दिया है, इसको बता दिया है सब कुछ इतना बताना चाहिए था, और मैंने इस बार का बात का पहले पता लगा लिया है कि तुमने किस तरीके का जाल बिछाया हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार तुम किस तरीके के एक्सप्लेनेशन देने वाले मुझे। लेकिन जियांग जन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उससे मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या मिसिंग हो सकता है उस पेंटिंग के अंदर। और तभी उस पेंटिंग के बारे में क्लियरली सोचने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार क्या ऐसा मिसिंग है, मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा। और उस पेंटिंग के बारे में बताता है ये तो जो पेंटिंग थी मैंने ड्रॉ की थी वो तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्रॉ की थी, और ये जो पेंटिंग है वो हर आस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि मैंने इसमें ब्रश वर्क और आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी इस्तेमाल किया था। तो आखिरकार इस पेंटिंग में कैसे कुछ मिसिंग हो सकता है, और कुछ भी समझ ना आ रहा और गहरी सोच में चला जाता है। युयांग इसके इस तरह की एक्सप्रेशन देखते मन में सोचते कहते चला इसका एक्सप्रेशन देख दो जरा, मुझे इसके मेथड के बारे में पता हुआ है। और तभी यांग चंग उससे कहने लगता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, क्या आप रेगुलरली उस पेंटिंग को देखते हुए आ रही हो। और जब युयांग इसका ये जवाब मतलब सवाल सुनती है तो वो तो शॉक हो जाती है और एक जैसी खड़ी होती है उसके गुब्बारे भी हिलने लगते हैं। और इससे कह लगती है आपने मेरे को सही अंदाज लगाया, और बताती है कि जब से मैंने इसको चालू किया मतलब देखना फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जियांग चंग अचानक से खड़ा हो जाता है और उसके पीछे लाइट्स मंगने लगती है और वो कहने लगता है ये बात तो बिल्कुल सही है, जब से तुमने इस पेंटिंग को घूरना इस तरीके से चालू किया है जो भी तुमने इस पेंटिंग से समझा है वो बस बाहर की अपीयरेंस है, तुमने इसके असली आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बिल्कुल भी नहीं समझा है, तुमने बस इस पेंटिंग के बाहर के हिस्से को समझा है ना कि इसके अंदर की आत्मा को। यस ये बात तो सही है, ये एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसको तुम बिल्कुल नहीं समझ पाई हो, और कहने लगता है इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है कि इस पेंटिंग को मेरे द्वारा बनाया गया था। और तो और उन सभी में से वो जो मेरा वर्क था मेरी जो स्किल थी वो एक नंबर की सुबह है, और मेरा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन एक्सट्रीमली हाई है। और ये बात सुनने के बाद वो कभी शौक हो जाती है और एकदम से कदम बहुत ज़्यादा डरावना चेहरा बनाता है। उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि तुम थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानती हो, लेकिन अभी भी ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा इसके समझने में, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इस बात काफ़ी ज़्यादा जवान हो काफ़ी ज़्यादा यंग हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता युयांग को, वो तो थोड़ी कंफ्यूज जाती है और सोचते सोचते क्या लगती है आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैं बंदी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गई है इस पेंटिंग से, या फिर ऐसा होता कि मैं बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल हूँ, मैं कुछ निग्लेक्ट कर रही हूँ या फिर भूल रही हूँ, मुझे अपने कॉन्शियसनेस को जितना ज़्यादा जल्दी होता है उतना ज़्यादा रिपेयर करना है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं सही से समझ नहीं पा रही हूँ, क्या ऐसा हो नहीं सकता ये बंदा जानबूझकर मुझे इस तरीके के डराने में लगा हुआ है और इसने उस पेंटिंग के अंदर जानबूझकर कुछ ना कुछ लोज छोड़े हुए हैं और मुझे डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है। तभी जियांग चंग ये इतनी एक्सप्रेशन देखते हुए उससे कह लगता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब तुम्हें एक नई और दूसरी पेंटिंग दिखाता हूँ, तुम शायद कुछ समझ जाओ, जहाँ पर तुम मेरा इंतजार करो कुछ समय के लिए। ये बात सुनने के बाद जो युयांग होती है वो मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार जियांग चंग के कहने का मतलब क्या है, मेरा दिमाग वाकई में बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी वो म्यूजियम सेल की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और उसको देख के कहने लगती है तो वही जगह है यहाँ पर वो कार्बन स्टोर रखा हुआ था, और उस स्वर्ड के बगल में यहाँ पर एक और नया चीज आ चुकी है और इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डायान। क्या ऐसा हो सकता है ये ग्रेट डायनेस्टी के द्वारा ही कोई गिफ्ट भेजा हुआ है, इसे देखकर तो मुझे कुछ याद आ रहा है, ये फैमिली से महसूस क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं पर पहले देखा हुआ है और इसके अंदर कुछ सीक्रेट लेटर्स भी लिखे हुए हैं एंशिएंट बुक्स के द्वारा, मैंने पढ़े थे तब, और इसके डिजाइन को भी मैंने देखा है कहीं ना कहीं, और जो डिजाइन मैंने तब देखा था वो इस चीज के द्वारा ही दिखता इसके जैसा ही दिखता था। और सोचने लगती है अपने दिमाग पर जोर डालती है, चाय पीती है और सोचती है, और जैसे सोचती है तो भाई इसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं इस समय पर वो वाकई में एक मोर की तरह बन चुके हैं, फिनिक्स की तरह बन चुके हैं इस वक्त, और शौक से भर जाती है और उसको देखकर कदे कांप उठती है और उसको देखकर कहने लगती है तो वाकई में ग्रेट यान एम्परर की सील है सील, और वो चमकती हुई दिखाई जाती है बहुत ज्यादा, और कहने लगती है ये तो ग्रेट डायन एम्परर की सील है जैसे ग्रेट डायन मतलब फर्स्ट एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया था इंपीरियल डायनेस्टी के ग्रेट यान एम्परर थे जो कि, और इस सील को रखने के मुकाबले ऐसा है जैसे कि तुम ग्रेट डायन डायनेस्टी के एम्परर हो खुद। लेकिन इस तरह की चीजें तो ये हमारे एक एम्परर के द्वारा मतलब ग्रेट यान के एम्परर के पास होनी चाहिए थी, तो आखिरकार ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है, जब तक ऐसा पॉसिबल हो सकता कहीं ऐसी बात तो नहीं है जो ग्रेट यान एम्परर है उन्होंने खुद आकर ये चीज यहाँ पर उसे दी है, क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन बिग रॉक क्लेन को हराने के लिए जो डायन के एम्परर है उन्होंने प्राइज के तौर पर
एम्परर सीलिस को दे दी है और जियांग चेन के साथ एक डील बना ली है। ये सुनने के ये सोचते वो और तक घबराने लगती है और कह लगती है ये तो इक्विवेलेंट है उसके बराबर जैसे कि इसने पूरी कंट्री को जियांग चेन के हवाले कर दिया है। आदि तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जियांग चेन है वो पूरी गेट रियान को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी बात है, डरावनी। इस बंदे के जो तरीका है करने का और इसके जो प्लान है वाकई में बहुत ज्यादा डरावने है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस थिंग है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ जल्द से जल्द? तभी अचानक से वो पीछे मुड़कर जा ही रही होती है, तभी जियांग चेन की आवाज़ आती है और कहने लगता है मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। और वो लड़की वापस से सीट पर बैठ जाती डर के मारे और जियांग चेन उसके पास आता है और उसे कहने लगता है तुम्हें मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया इतना। और कहने लगता है मिस यू हियांग जरा इस पेंटिंग को देखो तो जरा, और मुझे लगता है ये पेंटिंग आप पर ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन जब हमें जियांग जो यू हियांग होती है उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कत ही इतने ऑसम लग रहे होते हैं, कूल लग रहे होते हैं, क्या ही बताऊँ। और एकदम से पुअर एकदम से हेल्पलेस लगने में लगी हुई है इस वक्त तो। और भाई साहब इसके बड़े बड़े गुब्बारे, इतना क्यूट चेहरा, हमारे व्यूअर्स का तो ही बौखला कह रहे बाबा। और यू यांग मन में सोचते कह रही होती है कि ये मेरे लिए कभी लेट हो चुका है यहाँ से भागना। और दूसरी तरफ इस तरह की जो एक्सप्रेशन बना रही होती है तब जब जियांग चेन इसे देखता है और कह लगता है कंफ्यूज होती है मन में सोचते कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब और ये इस तरह की एक्सप्रेशन क्यों बना रही है। और यू यांग उससे कह लगती है अब जब तक उसने उससे कह दिया कि ये चीज़ मेरे लिए सुटेबल है तो मैं इसे ये सुटेबल है मेरे लिए। और दूसरे मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों जो जहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई हूँ इस बंदे के साथ। ये तो ऐसा है जैसे कि एक टाइगर की खाल उखेड़ना, अगर यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी हो गया तो ये तो मेरी हड्डियाँ भी नहीं छोड़ेगा भाई, एकदम से कपकपाने लगती है। और किस्मत की बात देखो तो जरा मैंने हॉलीलैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, नहीं तो वरना पूरे हॉलीलैंड को कई एक बहुत बड़े कैटास्ट्रोफ का सामना करना पड़ता। तभी जियांग चेन इसकी ये बात सुनने के बाद कह लगता है अगर तुम्हें इसके बारे में कैसे बता पा रहा कि मैं तो अभी तो इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं है और ना ही तुमने इस पेंटिंग को देखा है। मेरे में सोचते कह लगता है मुझे आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इस लड़की को फोर्स कर रहा हूँ इसको पेंटिंग को खरीदने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने सच में कहीं से धमका तो नहीं रहा। तभी जो यू यांग होती है वो जियांग चेन के सामने अपने सर को झुकाते उससे कह लगती है आपकी एक प्रोफाउंड रियलमी है, आप जो कहेंगे वही सच है और आपका जूनियर होते होने के नाते मैं आपकी हर एक बात सुनूंगी। और जियांग चेन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और उसे खड़ा करता है वापस से और उसे कह रखता है कि आप मिस आप वाकई में बहुत ज़्यादा पोलाइट है आप खड़े हो जाइए। तभी जो यू यांग होती है उससे कह लगती है मुझे अपने घुटनों के बल लेट जाना चाहिए था यहाँ पर तो। और जियांग चेन उससे कह लगता है कि तुम अगर ऐसी बात है तो पेंटिंग को लेकर जा सकती हो, बिल्कुल पिछली सब तरह की तरह हमारे रूल रहेंगे बेचने के और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब जल्दी से इसे खरीदो और पहली फुर्सत में निकल लो और हमारे बिजनेस को खत्म करो। और जब जो यू यांग होती है वो याद करती है ओल्ड रूल्स, अगर कल ये किस चीज़ की बात कर रहा है और उस तरफ से देखती है तो उसकी नज़रों के मुकाबले जब दिखा जाता है उसकी तरफ से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो जियांग चेन होता है वो किसी डेवल की तरह दिख रहा होता है और कह रही होती तो आखिरकार प्राइस क्या होने वाली है। और मन में सोचते लगती है अच्छा अब मुझे समझ में आया, बिल्कुल पिछली बार की तरह तो मैं इसके साथ ट्रेड कर सकती हूँ, अब जल्दी जल्दी से मुझे कुछ करना होगा और मैं कर भी ऐसा कह सकती हूँ इसके साथ और मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं इसको दे सकती हूँ। तभी इसके अचानक ही दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो मेरी आइस हेयरपिन थी जो कि हेवनली कोल्ड प्रिजन, मैं इसे लास्ट टाइम दे चुकी हूँ ऑलरेडी और इस वक्त तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेसेसरली किसी बंदे के द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता, तो आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। जो ग्रेट डायन एम्परर थे उन्होंने अपनी एम्परर सीली से दे दी है गिफ्ट के तौर पर, लेकिन अगर मैंने कैजुअली कुछ भी इसे दे दिया तो ये वाकई में इसके लिए डिससेटिस्फेक्शन वाली बात हो जाएगी। और वो ख्याली फिलहाल सोचते कह लगती है यहाँ पर वो अपनी मतलब सोचते वो कह रहा होता है जियांग चेन उससे आखिरकार इसे देखो जरा कितनी ज़्यादा नलायक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, फलान ढिकान वगैरह। तभी जियांग चेन उसके नज़दीक आता है उससे लगता है मिस क्या हुआ। तभी जो यू यांग होती है उससे कह लगती है मैं गलत थी मुझे माफ़ कर दो और कहने लगती है अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है। और तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, इसके गुब्बारों के बीच में अचानक से एक मैजिक सर्कल खड़ा होता है जिसको देखने के बाद जियांग चेन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी जो यू यांग होती है वो उसको देती है कुछ और उससे कह लगती है कि तुम इसे फ्रिक्स एम्बर्स के नाम से जान सकते हो कोल्ड प्रिजन का और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है भाई, कितनी औसम है भाई, और कहते हैं बवाल दे रही दिख रही होती है। और जब उसे देखा जाता है अपने हाथों में तो उसे एक अंडे टाइप का चीज़ दिख रही होती है और जियांग चेन इसको देखकर मन में सोचते कह लगता है कि लास्ट टाइम इसने जो हेयर पिन मुझे दी थी इसको देखकर तो लगता है ये तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है पहले के मुकाबले में, क्या मेरी जो पेंटिंग है वो वाकई में इसके काबिल है। और दूसरी तरफ जो यू यांग होती है वो रो रही होती है। तभी हमें गोल्ड प्रिजन फिनिक्स एम्पर के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि जो अंडा है वो यू हुआंग के फिनिक्स सागे के एसेंस से बना हुआ है जो कि ट्रू इंटेंट ऑफ आइस फिनिक्स से बना हुआ है, भले ही ये कोई मैजिक वेपन नहीं है लेकिन उसके बराबर जरूर है। और ये अंडा मू यू यांग की लाइफ के बराबर है और इस अंडे को कंट्रोल करना मतलब यू यांग की लाइफ को कंट्रोल करना। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मू यू यांग अपनी जान के साथ ट्रेड करने में लगी हुई है इस वक्त
और दूसरी तरफ मुझे इनको दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कांपने में लगी है। और मन में सोचते कहने लगती है मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती। आखिरकार जो जान की जो एम्परर ने ग्रेट जान की उन्होंने आधी की आधी कंट्री इसे दे दी थी, और लास्ट टाइम की तरह अगर मैंने कुछ भी उल्टी थी इसे देने की कोशिश की तो इसकी पर्सन की जो ग्रीड है उसका जो लालच है उसे कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आखिरकार इस जैसे पावरफुल और इतने ज़्यादा इविल लोगों को दूसरे लोगों को कंट्रोल करने में क्या मज़ा आता है? अरे मैडम जी, ये तुम्हारा ही ख्याली पुलाव है जो तुम सोचने में लगी हुई हो कि वह तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। उसके कोई भी इरादे नहीं है तुम्हें कंट्रोल करने के। और जो इस समय पर जो शरमाने में लगी हुई जो डरी हुई है ना भाई, कतई हिला डाला दिमाग, भाई कतई हिला डाला, दिल से बोल रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को दिमाग हिला डाला, इतनी ज़्यादा क्यूट, इतनी ज़्यादा औसम जो लग रही है, और रोते रोते कह रही होती है कुछ भी नहीं कर सकते, और डैमिट डैमिट करते हुए बताती है कि आखिरकार ये बंदा एक नंबर का करप्ट जो ठहरा और एक नंबर का डेविल है डेविल, तो मैं इसके चंगों से कैसे भी नहीं बच सकती। और इसी तरीके से फिर वहाँ से भाग जाती है। और जब जूलिन होती है वो उसको जब इस तरीके से जाते हुए देखती है तो उससे पूछ लगती है अंकल लैन से आखिरकार इस यूयांग के साथ क्या हुआ। अंकल लैन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, जब ये आई थी तब तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब ये यहाँ से गई तो इस तरीके से भागती हुई गई थी जैसे कि इसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। मुझे इस बात का डर है कि इस लड़के को कुछ ना कुछ तो हमारे सीनियर के द्वारा बेनिफिट मिला हुआ है, और ये नहीं चाहती कि कोई भी इसका बेनिफिट छुड़ाए। तभी अंकल लैन कहने लगते हैं कि जो सीनियर का कोई वर्क होता है उसमें हर तरीके का एक बेनिफिट छुपा हुआ होता है, और तुम बस एक नज़र से ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पा सकती है उसकी नज़रों में। दूसरी तरफ जो जूलिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी होती है ये बात से, और कहती है मुझे भी सीनियर से कुछ बेनिफिट चाहिए, और कहती है मुझे भी कल्टीवेट करना है, तो यंग मास्टर मुझे भी कुछ एडवाइस दीजिए। तभी हमें हॉली ग्राउंड के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, लेविनेशन माउंटेन, जहाँ पर जो यू यंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कह रही होती है आखिरकार मैं उस जगह से छूटी गई, उस नरक से बाहर निकल के आई, और मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइस पे करनी पड़ी है, और वहाँ से बचने के लिए मैंने अपनी ओरिजिनल सोर्स भी दे दिया है, ओरिजिन सोर्स। और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है इस वक्त, रिग्रेट कर रही होती है, पछता रही होती है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुक गई खेत। और मन में सोचते कहने लगती है अगर मैंने इस तरह की प्राइस उसे नहीं पे की होती तो मैं शायद वहाँ से बाहर भी निकल पाती। अब समय आ चुका है कि अब जो पेंटिंग मुझे मिल चुकी है और मेरे पास आखिरकार यही पेंटिंग बची हुई है तो मुझे इसे देखना चाहिए। और जैसे ही उस पेंटिंग को खोलती है तो अचानक से उसका जो लेवल होता है कल्टीवेशन का बढ़ना चालू हो जाता है, और उसमें से भयानक एनर्जी निकलती है, और वहाँ पर आइस आइस बन जाते हैं, और यू यंग का तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से बढ़ना चालू हो जाती है, और कहने लगती है कि इस पेंटिंग की जो चिलिंग एनर्जी है, ठंड जो कोल्ड एनर्जी, वो इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे हैंडल भी ना कर पा रही हूँ। और वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार धमाका होता है, और वहाँ पर जो धमाका होता है एक जो पहाड़ बन जाते हैं ना बर्फ़ के, जिसके कारण जो यू यंग होती है वो आसमान में स्पेस में पहुंच जाती है। शुरू बजे पैनी पानी छोटी दिख रही है उस पर जो यू यंग बैठ गई तो क्या होगा, समझ गए ना गाइस आप लोग। और अचानक से वो बोई लगती है, मन में सोचते अच्छा तो ये बात है, और सोचने लगती है कि उस बंदे ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने में लगी थी, लेकिन मैंने पेंटिंग को खुद पेंटिंग को इग्नोर कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब पैदा हुई तब मैं गोल्ड प्रिज्म आइस फिनिक्स बॉडी के साथ पैदा हुई थी, तो इसलिए मुझे पता था कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट मैंने स्पिरिट को कल्टीवेट करना रिग्रेट कर दिया था उस समय पर, इसलिए उस पहाड़ का जो चोटी का एक कॉर्नर है वो मिस था। और अब ग्रेजुअली मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, और मैंने इस माउंटेन के मैप को बस एक झलक देखा हुआ है। मुझे पता है कि जो स्नोई माउंटेन अभी भी स्नोई माउंटेन है, लेकिन अब ये और ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन मैं खुद इस माउंटेन में अपने आप को देख रही हूँ जो कि इस दुनिया में मौजूद है। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मेरी स्पिरिट की पावर बढ़ती जा रही है, और मेरे ओरिजिन की जो स्पिरिट पावर है वो धीरे धीरे करके वो भी ठीक होती जा रही है और रिपेयर होती जा रही है। और तो और कोल्ड प्रिज्म आइस फिनिक्स बॉडी है और उसकी जो स्पिरिट है वो एक साथ कंबाइंड होना भी स्टार्ट हो गई है। और तभी अचानक से किसी चीज़ की महसूस होती है इसको, और वो उस पेंटिंग को देखती है और महसूस करना चालू कर देती है, और मन में सोचते कह लेती है ये पेंटिंग तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये पेंटिंग सिर्फ मेरी पावर को ही नहीं है, मेरी ओरिजिन की बस साइकिक का ओरिजिन को ही ठीक करने में रिपेयर करने में मदद नहीं कर रही है, बल्कि मेरी स्पिरिट के द्वारा जो कल्टीवेशन है उसे भी बढ़ा रही है, और ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम है। और मुझे इस बात का डर है कि ये चीज़ सिर्फ सेंट्स ही कर सकते हैं, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पर, और मन में सोचते लगती नहीं 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 मैं आखिरकार इस बंदे को इस तरीके से वर्शिप नहीं कर सकती, ये बंदा एक ईविल मैनिपुलेटर है जो कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। भाई कितना बुरा सोचेगी भाई इसके बारे में। और तो और इस पेंटिंग को पाने के लिए मैंने अपनी जान को दांव पर लगाया है, ये बस एक डील थी तो मुझे इसकी इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। भूल जा सब कुछ, सबसे पहले तो इसके बारे में भूल जा और अपने आप को शांत करो और अपने मन की शांति बनाओ परमानेंटली। लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को शांत कर रही होती है उसके ख्यालों में सिर्फ जियांग चैन ही आया जा रहा है। भाई तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम भी लट्टू हो चुकी हो इस पे, तुम डेविल समझ रही हो इसको लेकिन हो लट्टू, यहाँ तक कि हमारे व्यूअर्स को भी पता है ये बात तो। और भाई कतई दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जियांग चैन के सोचने के बारे में, इतनी ज़्यादा क्यूट स्माइल देखने के बाद जियांग चैन की।
और अचानक से होश आता है तो उसका पूरा का पूरा चेहरा थोड़ा लाल पड़ जाता है और मन में सोचते कहने लगती है कि मुझे यह सच में मेरी आत्मा में भस चुका है बुरी तरीके से। और दूसरी तरफ जियांग चैन को दिखाया जाता है जो कि आइटम कलेक्ट करते हुए जा रहा है। यहाँ पर बता रहा होता है कि ये सारी की सारी चीजें बिना पैसों की है और ये मतलब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, फालतू में आ रही है सब चीजें। तो लेकिन यार इस वक्त जो फिनिक्स लग रही है ना भाई, यू वहाँ कहता है जहर है भाई, जहर लोली हो जो जहर भाई कहता है भाई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आने की ये पार्ट खत्म होता है। अरे हमारा ये पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारे जो टारगेट है सब्सक्राइबर्स का वो 50,000 सब्सक्राइबर टारगेट है। तो गाइस जल्दी जल्द हमारे सब्सक्राइबर करा दीजिए 50,000 फटाफट से गाइस, फटाफट से। जैसे सब्सक्राइबर 50,000 होंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पर हम लोग एक सीरीज को चलाने वाले हैं, नहीं काफी सारी सीरीज को चलाएंगे। और नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए आपको 2,000 लाइक करने पड़ेंगे गाइस, और जब इसके 2,000 लाइक कंप्लीट होंगे तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो तभी आएगा। तो समझ गए ना गाइस, तो आज के लिए इतना ही इस सीरीज के इस पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनर साइनिंग आउट।